बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय बैकमैनस मेथड। तो बैकमैन साइंटिस्ट का नाम है जिसको हमने यूज़ किया था आगे, बैकमैन थर्मामीटर, जिसकी जो हमने कहा था कि माइक्रो लेवल पे इसकी रीडिंग हम ले सकते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की, और वो 1/100 डिग्री तक जो उसकी मेजरमेंट हम की जा सकती है कि अगर 1 डिग्री का 10th पोर्शन हो जाए, 50th पार्ट हो जाए, 60th पार्ट हो जाए, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो बैकमैन थर्मामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए तरीकाकार आपके सामने है। सबसे पहले इसका अपैरेटस देख लेते हैं। 3 पार्ट्स हैं इसके अपैरेटस में। एक जो है आपके पास ये फ्रीजिंग ट्यूब है, फ्रीजिंग ट्यूब जिसके अंदर हमें सॉल्वेंट लेना है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है, बाद में उसी में सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना देंगे तो उसमें भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है। उसके अंदर एक थर्मामीटर है, मैं बता चुका हूँ, फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके बॉटम पे बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी पड़ी होती है, और टेम्परेचर बढ़ने से मरकरी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे आप टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसके साइड पे ये साइड आर्म है इसको कैरी करने के लिए, यहाँ से उठा के बाहर रखने के लिए, अंदर रखने के लिए, जैसे फ्राई पैन वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसके जो है वो आर्म होता है उसको पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए। उसके बाद जो है एक आउटर ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एयर जैकेट। ये जो इनर ट्यूब है इसको फ्रीजिंग ट्यूब कहते हैं। उसके बाहर जो एयर जैकेट है, एयर जैकेट का फंक्शन क्या है आपको मैं समझाता हूँ। पहले ये इनर ट्यूब समझ आ गई आपको, फिर उसके अंदर क्या हमारे पास क्या है, थर्मामीटर, दूसरा बात फिर एयर जैकेट है, उसके बाद जो आउटर जार है ये, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये सिंपल प्योर सॉल्वेंट हमने इसके अंदर ले लेना है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है। ये सिंपल है, अपैरेटस है, इसकी हम वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं पहले आपने इस तरह ये काम करना है, इस मेथड से फ्रीजिंग पॉइंट नोट करने से पहले आपने एयर जैकेट जो है ना इसको नहीं लगाना, आपने पहले इस जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसको उठा के डायरेक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है, एयर जैकेट को नहीं रखना, और इसका नोट कर लेना है अपना टेम्परेचर। अंदाजा आपको हो जाएगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ करके आ रहा है, लेकिन वो फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो है वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकता, एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होती है, थोड़ा सा फर्क भी ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बाद में उसको एयर जैकेट में रख के दोबारा इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। एयर जैकेट का यहाँ पे क्या फंक्शन है, एयर जैकेट जो यहाँ पे रखी है इसका ये फायदा होगा कि ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है पहले यहाँ पे जो एयर है इस ट्यूब के अंदर उसको कूल डाउन करेगा। उससे क्या होता है, उसको जब कूल डाउन करेगा तो वो जो एयर है वो इस सॉल्वेंट को फिर ठंडा करेगी या उसका टेम्परेचर कम करेगी, उसको फ्रीज करेगी। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, जिस वजह से सारी एयर कूल हो जाएगी तो वो हर तरफ से सॉल्वेंट को एक जैसा ठंडा करेगी, कूल करेगी, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा वो एग्जैक्ट आने के चांस, और प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। देखे ना, आपने डायरेक्ट आइस के अंदर फर्ज करो कोई सॉल्वेंट रख दिया है तो वो डायरेक्ट इसके साथ जब इन कॉन्टैक्ट होगा तो कहीं पे वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा, कहीं से स्पेस भी आ जाएगी, लेकिन जब आप एयर जैकेट में रखेंगे तो एयर होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली सारी ठंडी होगी और वो सारे मॉलिक्यूल्स इसके साथ यूनिफॉर्मली अटैच होंगे ऑन द विद द वॉल्स ऑफ द इनर ट्यूब फ्रीजिंग ट्यूब, तो अंदर से सॉल्वेंट को वो एक जैसा ठंडा करेंगे जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग होगी और स्लो प्रोसेस भी होगा, और आप जो ही फर्स्ट क्रिस्टल अपीयर हो, जो ही फर्स्ट क्रिस्टल अपीयर हो आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1। फिर इसको राइट आर्म से, साइड आर्म से निकाल के बाहर कर लेंगे, बाहर ले आएंगे, फिर उसको मेल्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर फिर सॉल्यूट ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। स्टरर का फंक्शन यहाँ पे क्या है, उसको हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए। उसके बाद इसको यहाँ दोबारा रख देंगे, फिर इसका यही प्रोसेस होगा, सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, शाबाश, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो भी आएगा उसको फिर वो जो फर्स्ट क्रिस्टल जब अपीयर हो फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लें, वो T2 आ जाएगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ΔTF, और ये जो है पहले से कम ही होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होना है ना, पहले फर्ज करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाद में वो कम हो के माइनस ही आएगा, तो इससे पता चलेगा कि फर्ज, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम केल्विन में ले रहे हैं फर्ज करें तो 273 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो कम हो के जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर डिप्रेशन आएगी, क्या आएगी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो ΔTF आपने नोट कर लेना है, उसकी वैल्यू को नोट करके यहाँ पुट करेंगे तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है कि आपने पहले क्या करना है, जो T1 आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, फिर उसमें सॉल्यूट ऐड करना है, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन के दोबारा फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है, यानी जब फर्स्ट क्रिस्टल अपीयर हो आपने टेम्परेचर नोट कर लेना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको आपने क्या करना है, उसको कह देना आपने T2, और उनमें जो डिफरेंस आएगा, और T2 हमेशा T1 से कम होगा तो उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
और उसकी मदद से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स है, पहले उसके पार्ट्स लिखेंगे फिर उसकी वर्किंग लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।